भैया जी ने हमें 800 रुपया एक सूजी का स्कैम हुआ, स्कैम हुआ। पहले दिन जाते ही, पहले दिन जाते ही क्या किया, क्या किया। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं हूं भाई ट्रैवल व्लॉगर, मैंने काफ़ी इंडिया घुमा हुआ है। वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो पीछे आके वीडियोस देख लो भाई, मस्त मस्त से वीडियोस है। अगर आप इस चैनल पर नया हो तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि मैं आगे भी मस्त मस्त से वीडियो लेके आने वाला हूं। नेपाल भी घुमा रहा हूं, इसके बाद इंडिया भी घुमाने वाला हूं, मस्त चारधाम यात्रा स्टार्ट होने वाली है, वो भी घुमाऊंगा भाई। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो। सो भाई ये वीडियो जो आप देख रहे हो ना भाई, सेकंड पार्ट है। पहला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था और इस वीडियो के अंदर भी काफ़ी अच्छा मस्त कंटेंट है, तो देख के आपको अच्छा लगेगा भाई। और भाई आगे आने वाले वीडियोज भी अच्छे आने वाले हैं, तो देखो भाई। सामान अपना टाइट वाइट करवा रहे हैं, बाइक रिपेयर करा रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ बता दूँ, इंडियन बाइक सारी, मतलब जितनी भी इंडियन बाइक्स होती है लगभग सारी यहाँ पर मिल जाती हैं और इजीली वो रिपेयर भी हो जाती है। तो आप अगर इंडियन बाइक लेकर आओगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सर्विस सेंटर ही मिल जाएगा और इवन जो बाहर स्पेयर पार्ट्स वाले हैं वो सही भी कर देंगे। एक तो यहाँ आ रहा है और एक वहाँ आ रहा है दूध। हेलो, क्या मस्त नारा भाई, बिना किसी टेंशन के आया था बाइक पे, ज़्यादा कुछ काम नहीं कराया था तो भैया ने हमसे पैसे भी नहीं लिए। भैया कह रहे हैं इतने काम के तो हमारे यहाँ पैसे लेते ही नहीं है। मैंने बोला थैंक यू सो मच, चलते चलो वापस। थैंक यू भैया, बाय बाय। समय में पुलिस वाले ने पकड़ लिया था और हम वापस लौट के आ चुके हैं बीच साइड पे। पुलिस वाले ने कुछ खास चेकिंग नहीं करी, मतलब सिर्फ हमारे पेपर्स चेक किए थे, भंसार और क्या चेक किया था, लाइसेंस चेक किया बस, और कुछ नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। बड़ी अच्छी पुलिस थी, हंसते से छोड़ दिया। साइड आ चुके हैं बीच साइड, घूम रहे थे यहाँ तो बोट बन भी रही है भाई, फ्रेश फ्रेश। सही है, सही है। सो जोक्स अपार्ट भाई, लेक के यहाँ से व्यू देखना कितना प्यारा दिख रहा है, माउंटेन के साथ। गोवा वोवा तो नहीं, लेकिन हाँ पोखरा के अंदर है, काफ़ी मस्त व्यू है। वॉकिंग स्ट्रीट है पूरी और यहाँ पर ना बहुत सारे कैफेज़ हैं, बहुत सारे कैफेज़ हैं साइड में बैठने के लिए, पर हमने अपनी पेट की पूजा काफ़ी करी हुई है अभी, तो हम डाइजेस्ट कर रहे हैं चलते चलते पैदल पैदल। काफ़ी मज़ा आ रहा है लेक के साइड में चलने में। सो हमारे पास ना दो फ्रेंड्स हैं, मतलब इन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा इनकी साड़ी, पूरी इंडियन ट्रेडिशनल जैसा है। यहाँ पे भी लोग कल्चर ज़्यादातर इंडियन जैसे ही फॉलो करते हैं ना, ऐसे ही कुछ है ना। तो हिंदी भी बोल लेते हैं ये। आपको इंडिया के बारे में कुछ पता है? वैसे इंडिया आप गए हो आज तक? नहीं, एक बार गई थी मैं। एक बार गए थे आप? कहाँ गए थे? पीटी मणिपालपुर। ओके, न्यू दिल्ली। मैं न्यू दिल्ली द्वारका सेक्टर 22 में भी रहता हूँ। कौन से टाइम गए थे? बैसाख। बैसाख के टाइम पे तो थोड़ी गर्मी रहती है वहाँ पे, पर इस टाइम पे तो प्लेजेंट है, जैसे यहाँ बारिश हो रही है वहाँ पे भी बारिश हो रही है, तो सेम मतलब इंडिया बहुत बड़ा है। इवन माउंटेन्स इंडिया में भी है, जैसे पोखरा में माउंटेन्स है, वैसे उत्तराखंड में, हिमाचल में और कश्मीर में। बस स्टॉप सलोनी बॉर्डर, पता नहीं बॉर्डर से जाते हैं। वहाँ पर एक भैया जी ने हमें 800 रुपया स्कैम हुआ, स्कैम हुआ। पहले दिन जाते ही, पहले दिन जाते ही। क्या किया, क्या किया? नेपाली लाई ओके। तो अब तो वहाँ पे मतलब काफी हाईटेक हो चुका है, आप ऑनलाइन खोल सकता है ओला उबर, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। इंटरनेट बहुत सस्ता है हमारा नेपाल से, सीरियसली। मतलब आपके अगर पैसे देखा जाए तो सम अराउंड 300 रुपीज में, 300 नेपाली में वी कैन स्पेंड लाइक मोर देन अ मंथ, एंड द नेट स्पीड, मतलब जो नेट की स्पीड है वो बहुत अच्छी होगी। हाँ, नेपाल इज एक्सपेंसिव, इंडिया इज चीपर। सरोजनी नगर, ये सस्ते कपड़े लेने गए थे वहाँ। आप इंडिया नहीं गए, आप इंडिया नहीं गए, एक बार इंडिया जाओ, आपको अच्छा लगेगा काफी। ड्रेसेस व्रेसेस सब आपको सस्ता मिलेगा वहाँ पे। और बॉलीवुड पिक्चर्स पिक्चर देखते हो? बॉलीवुड पिक्चर देखते हो? कौन सी पिक्चर देखा है? साउथ इंडियन मूवी, बॉलीवुड नहीं।
पंजाबी भी अच्छा लगता है। वाह पंजाबी पिक्चर भी देखता है। गाना आता है कोई हिंदी पंजाबी? अरिजीत सिंह का बहुत गाना सुना है। अरिजीत सिंह का बहुत गाना सुना है। कौन सा सुना है? नहीं याद आ रहा। अच्छा नेपाली गाना आता है कोई? नहीं आता। नहीं आता कोई बात नहीं। मुझे कोई डायलॉग बताओ नेपाली में जो मुझे समझ में नहीं आने चाहिए। कोई मतलब लाइन बोलो जो मुझे नहीं समझ में आनी चाहिए नेपाली में बोलना है। नहीं 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 ऐसा कोई भी सेंटेंस बोलो जो मुझे समझ में नहीं आए। हाँ जो मैं नहीं समझ पाऊँ। ओ, बहुत समझ में आया। क्या बोला? क्या बोला? ये क्या बोला? क्या ये इसका मीनिंग क्या है? ये मैंने क्या मेरे बात को समझ रहे हो? अरे बाप रे यही समझ में नहीं आया क्या बात समझ रहे हो? तो बाकी समझना बहुत मुश्किल है। नाइस टॉकिंग टू यू। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलेंगे फिर। बाय बाय। सो भाई उनके पास से फ्री होके हम आ चुके हैं बीच। बीच बार बार मुझसे निकल रहा है लेक के साइड में। भाई बीच जैसी फीलिंग आती है थोड़ी सी बैठे बैठे यहाँ से, लेकिन बीच है नहीं लेक है पूरा। और यहाँ कैफे एक बढ़िया मस्त सा। तो यहाँ बैठे हुए हैं सामने व्यू के साथ, सनसेट होने का इंतजार कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मजे मार रहे हैं भाई। मेरे बाद थोड़ी देर बाद उठ के आ चुके हैं भाई। बाहर बैठे हुए थे कैफे में, मस्त बैठे हुए थे, स्नैक्स स्नैक्स भी खाए, लेकिन कुछ खास स्नैक्स नहीं थे। कहते हैं ना ऊँची दुकान फीका पकवान वाला सीन हो गया। हम अपनी सस्ती वाली दुकान पर जा रहे हैं जहाँ पर अपन खाते हैं, जहाँ हमें स्नैक्स अच्छे मिलते हैं, वहीं जाके मोमोज वोमोज खाएंगे बढ़िया। यहाँ इतना कुछ खास नहीं लगा। 5:30 इस टाइम पर काफ़ी लोग आ गए हैं वॉकिंग करने के लिए। इवनिंग में तो ज़्यादातर लोग आ ही जाते हैं सनसेट के टाइम पे वॉकिंग वॉकिंग करने। मस्त सा यहाँ पे माहौल हो जाता है और आपको बारबेक्यू आइटम्स भी मिल जाएंगे, चीज़ें भी मिल जाएंगी बढ़िया। सो भाई हम लौट के अपने ही कैफे पे वापस आ चुके हैं और यही कैफे बढ़िया लगता है भाई। ये भी ना लेक के बिल्कुल साथ में ही है। जैसे हम लेक के तरफ जाएंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे कैफेज हैं, तो उनमें से एक है। यहाँ खाना अच्छा मिलता है नो डाउट। यह कैफे का नाम, अगर आपका मन करे तो खाने आ जाना। सो यहाँ आ चुकी अपनी मस्त चाय। चाय मस्त मिलती है भाई इस कैफे में, गर्मा गर्म है। सो भाई मैं लेक के पास आ गया था, मुझे पता चला कि यहाँ पे ना लेक की आरती होती है, तो वो देखने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं कैसे होती है। ऑलमोस्ट 1 से 2 किलोमीटर पैदल दौड़ते दौड़ते आ गया हूँ भाई, पूरा उल्टा डायरेक्शन में भाई पहुँच गया हूँ जहाँ पे आरती हो रही है। और सबसे अच्छी बात ये, अभी आरती खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल टाइम पे पहुँचे हैं अपन। आंटी से मैंने पूछा आरती किस टाइम होती है, तो कह रही इसी टाइम हो रही है। मैं फिर बोला फटाफट भागते हैं। दुखदारी दे विनाशी हर छौ कष्ट सवै, ओम जय दुर्गे अम्बे। एक तो ये आरती बहुत यूनिक है, दूसरी वैसे मैंने आरती देखी है गंगा जी की भी, और उधर भी काफी बढ़िया होती है, सिमिलर सी है पर ये यूनिक है। सब लोग डांस भी कर रहे हैं वहाँ पे, देख रहे हो आप, काफी बढ़िया लग रहा है भाई। वाह आज आपने नेपाल के अंदर भी आरती देख ली भाई। गंगा जमुना आरती तो आपने देखी होगी पर ये आरती कुछ अलग है। सब झूम रहे हैं भगवान का नाम लेके, मस्त है।
कोई जयकारा नहीं लगाता है, कोई जयकारा नहीं लगाता है। तो ताल बराई मंदिर के बिल्कुल सामने, जिस मंदिर हम गए थे ना सामने, उसी के जस्ट सामने यहाँ आरती होती है, ठीक है। तो आप टाइम से आ जाना, 6 बजे तक आ जाना। 6 बजे मैं भी आ गया था, मतलब थोड़ा सा लेट हुआ था, तो आप आरती पूरी अटेंड कर लोगे ढंग से मेरे जैसे। सो यहाँ हमें आरती का प्रसाद मिल चुका है। सो भाई कहते हैं ना, सच्चे मन से भगवान को याद करो तो भगवान आपकी बात सुनी लेता है। तो मैंने भी सच्चे मन से याद किया था भाई, मैं आरती तक पहुंच जाऊं। काफ़ी दूर था, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मतलब जो एक कोना है ना, जो बिल्कुल एंड वाला यहाँ लेक का, उस वाले कोने पे था, और ये बिल्कुल सेंटर था। मतलब यहाँ तक दौड़ता हुआ है समवेयर अराउंड, ये समझ लो 2 किलोमीटर हुआ, दौड़ता दौड़ता पहुँचा हूँ। क्योंकि मुझे दूर से दिख रहा था आरती हो रही है, धुआं उड़ता हुआ दिख रहा था, तो मेरे को लगा यार नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन हो गया पूरा। काफ़ी अच्छा सा था, मतलब मैंने काफ़ी बार ना इंडियन कल्चर तो आपको दिखाया, ये नेपाली था, पर ये इंडियन ही कल्चर कह सकते हो, क्योंकि हिंदू रिलीजन था ना, हिंदू रिलीजन हमारे यहाँ भी फॉलो होता है, और सब उन्होंने मतलब जिन जिन भगवान के जयकारे लिए वो सारे भगवान हमारे इंडिया में भी पूजे जाते हैं, तो सिमिलर ही है लगभग सारे। एक दो कुछ यहाँ पे टेम्पल है उनके नाम अलग हैं मे बी, लेकिन गॉड जो है उनके अंदर वो सेम ही है, मतलब वो भी गणेश जी को पूजा कर रहे हैं, सब महादेव को पूजा कर रहे हैं, सब वही हैं। तो काफ़ी अच्छा था लगा, काफ़ी यूनिक सा था, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगर आपने ऐसे कभी आरती होते हुए देखा तो वो भी बताना। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लोग डांस कर रहे थे, काफ़ी बढ़िया सा लगा। चलते यार वापस, मैंने मोमोज ऑर्डर कर दिए थे वहाँ पे, मन कर गया था। वैसे तो मैंने सोचा था मोमोज नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा यार मोमोज खा लेते हैं, आज आखिरी दिन है प्रोग्राम में, तो मोमोज फिर मिस करेंगे। यहाँ के मोमोज सच्ची बहुत टेस्टी होते हैं, अगर आप आओ तो उस रेस्टोरेंट में मोमोज खा के देखना, मस्त है। सो भाई लौट के आ चुके उसी कैफे पे। सो भाई इन मोमोज को मैं बहुत मिस करने वाला हूँ कसम से, कुछ तो डिफरेंट टेस्ट है इनका चटनी का, जो मुझे इंडिया नहीं मिलने वाला है, और फिर मैंने मिस करने वाला हूँ, तो दबा के खा लेता हूँ। सो भैया को बाय बाय कहने का टाइम आ गया, आपके मोमोज को हम याद रखिएगा, बाय बाय। आज जा रहा है, मतलब कल चला जाएगा पोखरा से, आज लास्ट आया आपके पास, हाँ आज ही है लास्ट है, कल चला जाएगा, बाय बाय। सो भाई जैसा कि मैंने अभी तक आपको होटल का नाम नहीं बताया था ना, होटल का नाम बता देता हूँ, अगर आपको रहने का मन करे तो आप आके रह सकते हो। ये रहा होटल का नाम,
होटल लेक वैली, जब आपका मन करे तब आ सकते हो भाई, काफी सस्ता था और ठीक था, सर्विस भी ठीक थी। और काफ़ी लोकल लोग प्रेफर करते हैं बेसिकली यहाँ पे आना, ज़्यादातर नेपाली लोग होंगे होटल के अंदर, लेकिन सस्ता होगा और बढ़िया होगा, ठीक होगा, काफ़ी नीट एंड क्लीन होगा। और हम भाई रूम में आके कम से कम 2-3 घंटे बैठे आराम से, अभी मन कर गया आइसक्रीम खाने का, रात काफ़ी हो रही है, पर चलते हैं कहीं आसपास आइसक्रीम मिलेगी तो आइसक्रीम खा के आएंगे। नेपाली टाइम के हिसाब से 11:15 हो रहे हैं और हमें एक शॉप मिल गई है भाई जहाँ पर आइसक्रीम मिल जाएगी। लगभग सारी शॉप बंद हैं, देखो सब शॉप्स बंद हैं, पर हमें शॉप मिल गई है। सो लो भाई, अंकल ने मुझे ये बताया क्रीम बेल भी आपकी इंडिया से आ रही है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग हमारी इंडिया में ही हो रही है भाई। काफ़ी टेस्टी होती है, मेरी फेवरेट है सेंटर ट्रीट, तो ये खाते हैं। एक तो इंडिया से आती है ना, तो साइज छोटा होकर आता है, लेकिन टेस्ट सिमिलर है अपने इंडिया जैसा। अपना तो काम बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 70 रुपये ही बढ़ गए जो 35 रुपये की मिलती है हमारी इंडिया में। अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ खाओगे जो इंडिया से आ रही है यहाँ पे, तो आपको महंगी पड़ेगी इंडिया रेट से। सो आ गए वापस होटल में भाई, चलते अंदर। अगर ये भाई बाहर जाए ना तो वापस खाली हाथ नहीं आता है, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लेकर आया साथ में, देख रहे हो ना आप, जबकि कुछ खाने का मन नहीं था हमारा। कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरे, कुरकुरे बात एक ही है, जंक फूड, जंक फूड। वो आलू के होते हैं। अच्छा, और ये प्लास्टिक के कौन के होते हैं? ना प्लास्टिक के होते हैं भाई, जला के खाओ। हाँ, सच्ची में जलते हैं तो। सो भाई रूम के अंदर वापस आ चुके हैं, वहां पड़े हैं कुछ अंगूर जिन्हें खा के, जिन्हें खा के भाई हम रात भर सोने वाले हैं आज। मतलब आइसक्रीम खा ली थी, मेरा कुरकुरे खाने का कोई मन नहीं है। तो भाई मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। मैं आपको बता दूं, कल से हम घूमने वाले हैं पोखरा की तरफ, काफी मजेदार ब्लॉग आने वाले हैं आगे भी। तो जिन जिन्होंने यहां तक वीडियो देखा है तो फटाफट लाइक कर दो, और हाँ भाई कुछ तो कमेंट कर ही दो जो मन में आ रहा हो, नहीं तो दिल बना के चले जाना, कोई बात नहीं। और एक बात बताऊं, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं ट्रैवल ब्लॉगर, पूरा देश तो मैंने घुमाया है ही है, अब मैं नेपाल भी घुमा रहा हूँ और उसके बाद मैं कुछ इंटरेस्टिंग इंडिया में घुमाने वाला तो हूं ही हूँ। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए, नोटिफिकेशन की बेल भी दबानी पड़ती है तभी पहुंचती है। मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय।